कोरोना वबा के खौफनाक हालात के दौरान कुछ शरपसंद लोग, मीडिया और जमातें एक मखसूस तबके को निशाना बना रही हैं, लेकिन अवाम उनकी ये साजिश नाकाम बना देगी। ये बात एनसीपी के लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने कही। कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा उन्होंने आज जामा मस्जिद के मदरसे में कायम क्वारंटीन कैंप का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज कोरोना के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में इंतज़ामिया का पूरा ताउन कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर शहर के तमाम मदारिस में क्वारंटीन कैंप के लिए जगह मुहैया की जाएगी। लाख एहतियाती इकदाम के बावजूद इंतजामिया कोरोना वबा की चेन को तोड़ने में नाकाम नजर आ रहा है। शहर के तकरीबन मोहल्लों में ये वबा फैल चुकी है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने कोरोना के मरीजों के रास्ते में आए हाई रिस्क वाले अफराद को क्वारंटाइन कैंपों में रखना शुरू किया। गुज़िश्ता रोज म्युनिसिपल इंतजामिया ने जामा मस्जिद के अहाते में मदरसे की इमारत में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया। यहाँ 100 बेड की सहूलत है। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एनसीपी के रियासती नायब सदर अब्दुल कदीर मौलाना के हमरा मदरसे की इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर अब्दुल कदीर मौलाना ने कहा कि कुछ लोग, मीडिया और जमातें कोरोना वबा के ताल्लुक से अवाम को गुमराह कर रही हैं, अवाम इनके बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि आज जामा मस्जिद के मदरसे में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया गया, अगर हालात संगीन हुए तो शहर के मजीद 15 मदरसों में ये कैंप शुरू किया जाएगा। इस वबा के खिलाफ जद्दोजहद में पूरा मुस्लिम समाज हुकूमत व इंतजामिया के साथ है और इनके साथ पूरा ताउन करते रहेंगे। महानगर पालिका का माशाल्लाह मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों के अंदर में जो डर और खौफ का जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए। लोग ये समझ रहे हैं कि क्वारंटाइन कर दिए बोले तो वो भी हमको कोविड में ले आके डाल दे रहे। इस तरह की कुछ मीडिया के तरफ से भी कुछ मीडिया गलत तरीके से प्रचार करने का काम कर रही, कुछ छोटे मोटे मोबाइल लेके घूमने वाले भी कुछ उल्टा पुल्टा कुछ लगाने, कुछ जमातों के तरफ से अलग तरीके के महलों में और उसमें चर्चाएं हो रही है। इस तरह का कोई माहौल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पटालकर मैडम साहिबा और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ही यानी अपने घर का निज़ाम समझ कर काम कर रहे हैं, वो हमने अपने आँखों से महसूस किया है। और खंदा बा खंदा उनके साथ रहकर हम लोगों को कैसे महफूज रख सकते हैं, किस तरह से उनके डर को निकाल सकते हैं और उनको यहाँ ऐसा लगेगा कि आप अपने घर के अंदर में हैं। तो ये डर निकालने के लिए इस तरह की इंस्टीट्यूशन और भी हमने हाथ में लिए है। अगर ये पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और 10-15 इंस्टीट्यूशन हमने नज़र में ले के रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया भी है कि अगर अल्लाह खुदा ना करे कोई ज़्यादा आफत का माहौल अगर बढ़ता है तो हम उससे निपटने के लिए सक्षम और तैयारी से हम खड़े हुए हैं। लोकांची मागणी असते आम्ही घरीच राहतो क्वारंटाइन नको, काही लोकांना ते वातावरण त्यांना योग्य वाटत नाही, तर आपण इथे क्वारंटाइनची व्यवस्था आज जामा मस्जिदमध्ये केलेली आहे आणि याचं निवेदन आपले कदीर मौलाना साहेब आले होते, ते म्हणाले आमची इथे सोय करा, आम्ही सर्व ह्याची काळजी घेऊ, ह्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ इथे। आणि इथे सोय झाल्यामुळे खूप चांगलं झालं की लोकांचा ॲक्सेप्टन्स की त्यांचा इथे येऊन आम्ही इथे राहतो, म्हणजे त्यांनाही एक प्रकारे मनाला समाधान मिळतं की म्हणजे जी त्यांना भीती वाटते आम्ही कुठे जाऊ कुठे राहू तर ती ह्याच्यात राहणार नाही। आणि इथे 120 खुले आहेत, तिथे आपण सर्व पलंग बेड्स टाकलेले आहेत, गाद्या आहेत, जेवाय खावायची सोय आहे, पाणी आहे आणि हे वातावरण त्यांना प्रसन्न आणि इथे समाधानकारक वाटेल। आणि आज आपण इथे पहिल्यांदा सुरू झालेले आपले संतानगरमधले 11 जे हायरिस्क कॉन्टॅक्ट होते ते आज इथे ॲडमिट पण झालेले आहेत, तर ही चांगली एक सुरुवात आहे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोक आपल्यासोबत येऊन राहतील आणि हे करोना विषाणूचं ट्रान्समिशन थांबवायला आपल्याला मदत होईल। आपण इथे जेवायची, चहाची आणि पाण्याची महानगरपालिकेतर्फे व्यवस्था केलेली आहे, पण त्यांना जर का वाटलं की आपण घरातून डबा आल्यावर आम्ही तो जेवतो आपण तो पण त्यांना अलाउड करतो आहे त्यांच्या घरातून आलेलं फूड खायचं। तसंच मौलाना साहेबांनी म्हणाले होते की आम्ही पण जेवणासाठी काही तिथे देऊ त्यांच्यापूर्वी, तर हे सर्वांच्या सहकार्याने इथलं चांगलंच आपल्याला प्रतिसाद मिळतो आहे आणि आज चांगली सुरुवात झालेली आहे। या विषाणूचा प्रसार रोखण्याकरता सर्व स्तरावरनं आपण एकत्र काम करतो आहोत। आज असं कुठेही दिसून येत नाही की कुठून आपल्याला नकार येतो आहे, प्रत्येकजण पुढाकार घेऊन सोबत आहे, त्यामुळे आपण लवकरच शहरातला हा प्रसार थांबवायस शक्य होईल।